जिस तरह से गर्म पानी में हम अपनी परछाई नहीं देख सकते, बिल्कुल उसी तरह से गुस्से में हम सही और गलत का फैसला नहीं कर पाते, क्योंकि गुस्से में हमें सही और गलत पता ही नहीं चलता। जी हाँ दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार, सलाम। मैं हूँ आपका दोस्त जिमी। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान
फ्लाइट ऑफ लाइफ शो है आपका अपना जस्ट फॉर यू। दोस्तों जरा सोचिए, आज से अगर मैं बात करूं 2 या 3 साल पहले की, जब भी आप कभी बाहर जाते थे, चाहे आप मार्केट में कुछ परचेज करने जा रहे हो, चाहे सब्जी हो, चाहे आपके कुछ कपड़े हो, या हो सकता है कुछ डिपार्टमेंटल स्टोर से आपको कुछ खरीदना हो, कुछ चॉकलेट्स हो या कुछ भी हो, मतलब पेट्रोल पंप पे जाना हो या कहीं भी कुछ भी आपको खरीदना हो, पहले आप हमेशा कैश प्रेफर करते थे। लेकिन अब जो टाइम है वो थोड़ा बदल गया है, बदलते टाइम के साथ साथ आपने भी कैश का इस्तेमाल पहले से यकीनन काफी कम कर दिया होगा, चाहे वो बात खाने पीने की हो, चाहे वो बात पहनने की हो, चाहे वो बात अपनी सर्विसेज की हो, हर चीज जो है अब कैश से दूर होती जा रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, उसने कहा है कि हम इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाना चाहते हैं और इसके लिए वो पुरजोर कोशिश भी कर रहे हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 8 नवंबर 2016 से, जब एक नया शब्द हर आम आदमी को सुनने को मिला, जिसे कहते हैं डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन में क्या हुआ? जितने नोट्स करेंसी हम यूज करते हैं, चाहे वो 500 का हो चाहे 1000 का हो, वो जितने भी पुराने नोट थे वो हो गए बैन और उनकी जगह पे नए नोट्स इंट्रोड्यूस किए गए। नए नोट्स इंट्रोड्यूस तो जरूर किए गए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि अब जो हमारा फोकस है वो इंडिया को डिजिटल बनाने के लिए रहेगा। अब इंडिया को डिजिटल बनाने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स आगे आए, जिसमें से एक था UPI जो गवर्नमेंट ने भी लॉन्च किया था, और दूसरा था मोबाइल वॉलेट्स। तो UPI जो है वो अपनी चाल चलता रहा, लेकिन जो मोबाइल वॉलेट्स हैं इतनी तेजी से सबके हाथों तक पहुंचे हैं, और मेरे हिसाब से बाकियों के हाथ तक भी पहुंच जाने चाहिए, ताकि वो जो अपना काम कर रहे हैं उसे सही तरीके से कर सकें और उन्हें किसी और के ऊपर डिपेंड रहना ना पड़े। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। आज मैं बात करने वाला हूँ मोबाइल वॉलेट्स के ऊपर, और बताऊंगा आपको कौन से मोबाइल वॉलेट्स आपको यूज करने चाहिए, कौन से मोबाइल वॉलेट्स आपको यूज करते हुए ये देखना चाहिए कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल्स है और क्या उसके लिए, मतलब आपको बेनिफिट्स क्या है और उसके नुकसान क्या है, वो हर चीज मैं आपको बताऊंगा। और कोशिश करूंगा कि आज जब आप इस शो को बंद करें तो आप इस चीज के लिए श्योर हो जाएं कि आपको अलग अलग तरह की 200 एप्स डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। खाली मैं आपको 4 एप्स ऐसी बताऊंगा जिसमें से जितने काम भी आप मोबाइल वॉलेट्स के थ्रू करते हैं वो सारे काम आप उन चारों में से किसी न किसी एक ऐप के थ्रू तो जरूर से कर पाएंगे, लेकिन जरूरत है उसमें से सही ऑफर चूज करने की और अपनी पेमेंट को कम से कम पैसा बचाते हुए कम से कम दाम पे करना और कम से कम प्राइस पे अपनी फैसिलिटी को अवेल करना। तो अब मैं जाता हूँ ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद आऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि मोबाइल वॉलेट्स का जो फायदा है, जो बेनिफिट्स हैं वो क्या है, और आपको बताऊंगा कि इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। लेकिन वैसे तो नुकसान ना के बराबर ही हैं, लेकिन फिर भी जो हो सकते हैं वो बताना मैं जरूरी समझता हूँ। तो एक छोटा सा ब्रेक और मैं जल्दी से जाता हूँ और जल्दी से वापस आता हूँ। हमारी जिंदगी को और भी खूबसूरत बनाता है PYAR, यानी कि प्यार। मेरी लाइफ में सिर्फ दो चीज है, प्यार 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 या मोर मोर मोर। करिए अपने प्यार का इजहार एक अनोखे तरीके से, शेयर करिए अपने प्यार की कहानी विद मेरी जुबानी। अपने प्यारी सी लव स्टोरी को शेयर करने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं PAATEL55@gmail.com पर, या फिर लॉग इन कीजिए www.radiouran.com। सुनते रहिए, जिंदगी खूबसूरत है विद RJ धड़कन
ऑल योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मेरा नाम रिया है, मैं मैंगलोर की रहने वाली हूँ। स्वतंत्र जीवन कौशल प्रशिक्षण में मैंने बास्केट, पेपर मैट, ऊनी चटाई जैसी कई चीजें बनाने की कला सीख ली है। मित्र ज्योति, जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। मेरा नाम संयुक्ता है, मैं बैंगलोर की रहने वाली हूँ। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन जब तक मित्र ज्योति के ब्रेल प्रेस से किताबों को पढ़ने का मौका नहीं मिला था, मेरे पास इस आनंद को पाने का कोई साधन नहीं था। मित्र ज्योति, दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना है, मैं हुबली से एक नौकरी की तलाश में बेंगलुरु आई हूँ। यहाँ सुरक्षित आवाज मेरी जैसी महिला के लिए वरदान है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 08022587623, 22587625। वेबसाइट www.mitrajyoti.org, ईमेल आईडी admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, लाइट ऑफ लाइफ। Switching his modes, Gamili Yankee's chin in his color. Con man, baby, he ain't your lover. Con's a karne, ki hai khujli. Chakma deke, he's out of the kukli. Ya nahi tera, biodata mera. Lik lik se likna hai mujhe. Har ek haseena ke, bank account ke. Debit mein dikhna hai mujhe. Zara ji hazuri, main karta hoon zaroor. Chori, dil ki chori, hai mera kya kusoor? Kya karu, oh lady? आंखों के नीचे से काजल चुरा लूं मैं।
लहजे तूफान है, ये मुंह दिखाई है मेरी, खोलू हर तिजोरी हर तिजोरी, हाँ मैं तो हूँ मशहूर, फिर दिल की छोरी है मेरा क्या कसूर, क्या करूँ ओ लेडी, ओ हो क्या करूँ ओ लेडी, मैं हूँ आदत से मजबूर. रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ सुन रहे हैं आप, शो है जस्ट फॉर यू और मैं हूं आपका दोस्त जिमी. और जैसा कि आप जानते हैं मैं जब भी आता हूं किसी न किसी टॉपिक के साथ आता हूं, आज भी टॉपिक के साथ ही आया हूं. और जो आज का टॉपिक है वो बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है. जो लोग इसके बारे में जानते हैं वो भी कुछ ना कुछ तो जानेंगे और जो नहीं जानते हैं वो तो भाई साहब बहुत कुछ जानेंगे. चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक के बारे में जिसे हम कहते हैं मोबाइल वॉलेट्स. बड़ी ही आम बात हो गई है आजकल मोबाइल वॉलेट्स को यूज करना, लेकिन फिर भी जो लोग नहीं जानते हैं या जो लोग अभी तक भी हर छोटे छोटे काम के लिए कैश को यूज करते हैं उनके लिए बता देना चाहिए कि इसके क्या क्या फायदे हैं. हमारी जो रोजाना की जरूरतें होती हैं उसमें आजकल बड़ी ही कॉमन जरूरत है हमारा फोन. हमारा जो फोन है उसका हमें बिल पे करना हो या फिर हमें उसका प्रीपेड के लिए भी रिचार्ज करना पड़ता है, तो हमें जो रिचार्ज करना है या उसका जो बिल पे करना है उसके लिए हमें मोबाइल वॉलेट की जरूरत पड़ती है, या कहें कि मोबाइल वॉलेट हमारे काम आता है. अब बात ऐसी है कि आज भी कुछ लोग मोबाइल वॉलेट्स को यूज नहीं करते. अब उनका ये कहना है कि उनको ये सब आता नहीं है इसलिए वो नहीं करते हैं, लेकिन अगर वो ये सीखते हैं मोबाइल वॉलेट को यूज करना तो इससे उन्हें बहुत सारे फायदे हो सकते हैं. ये बात शायद उनको किसी ने बताई नहीं है. ऑफर्स आजकल ऐसे ऐसे होते हैं रिचार्जेस के ऊपर कि अगर बात हम आजकल जो सबसे बड़ा ब्रांड चल रहा है मोबाइल इंडस्ट्री में जियो जिसको हम कहते हैं, जो बहुत ही ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है, अगर सिर्फ उसी की बात कर लें और किसी ब्रांड की हम बात ना करें तो भी अगर हम रिचार्ज करते हैं आज की डेट में जियो का, तो जियो कहता है जितना आप रिचार्ज कर रहे हो उतना ही मैं आपको कैशबैक दे रहा हूँ. कैशबैक तो दे रहे हैं, उसमें कुछ कंडीशंस भी हैं, लेकिन ओवरऑल जो बेनिफिट है वो हमारा ही है. लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो आज भी शॉप पे जाते हैं रिचार्ज करवाने के लिए, पूरा पैसा भी देते हैं, शॉप पे जाना भी पड़ता है, वापस भी आते हैं, और फिर कभी रिचार्ज होता है कभी नहीं भी होता है, कभी टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, कभी शॉप वाला नंबर गलत डाल देता है, तो क्यों ना ये सब काम हम घर पे ही करें. ये तो हुई सबसे कॉमन चीज. अब आजकल लोगों को बाहर घूमने का भी बड़ा शौक होता है. अब जब घूमने का शौक है तो फिर बाहर जाने के लिए पहले तो कुछ कैब चाहिए होगी, फ्लाइट चाहिए होगी या कोई ट्रेन चाहिए हो, तो वो भी हम इससे कर सकते हैं. अब उसमें क्या फायदा हुआ,
जो पैसे बचे, जो कैशबैक्स आते हैं, जो बेनिफिट्स हैं ऐसे, वो तो हमें मिलते ही हैं। इसके अलावा क्या बेनिफिट है? हमें किस टाइम की फ्लाइट चाहिए और कैसे रूट की फ्लाइट चाहिए, रिटर्न चाहिए या नहीं चाहिए। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि हम जाएंगे तो बहुत ही लंबी लंबी लाइनों में लगेंगे। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम और कर सकते हैं उस टाइम में। तो मैं कहता हूँ कि हम क्यों जाते हैं, लंबी लंबी लाइनों में क्यों लगते हैं? हमें कुछ भी नहीं करना है, घर पे बैठे बैठे मोबाइल वॉलेट खोलना है, फ्लाइट करनी हो तो फ्लाइट बुक करें, ट्रेन बुक करनी हो ट्रेन बुक करें, बस बुक करनी हो बस बुक कर लें। तो जब सब कुछ हमारा घर बैठे बैठे हो सकता है तो हम क्यों, आखिर क्यों हमें बाहर जाना है ये सब काम करवाने के लिए? और फिर घर बैठे बैठे आने जाने का पैसा भी बच रहा है, प्लस वहां से बुकिंग करने पे हमें काफी सारे बेनिफिट कई बार और भी मिल जाते हैं। अब जब घूमने फिरने की बात चल ही रही है, तो जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं कि हम किसी के घर में ही जा रहे हों उससे मिलने के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी बिजनेस के रीजन से जा रहे हों या किसी दूसरे रीजन से जा रहे हों, तो ऐसे में हमें वहां पे अगर स्टे करना है तो हमें जरूरत पड़ेगी किसी ना किसी होटल की। तो ये भी बड़ा ही आसान हो गया है आजकल, क्योंकि आजकल आप वॉलेट से होटल्स भी बुक कर सकते हैं। अब बात ऐसी है कि जो होटल्स हम बुक करते हैं उनके खुद के भी वॉलेट आते हैं, क्योंकि जैसे गवर्नमेंट ने बोला है कि डिजिटल इंडिया है तो सबको डिजिटल होना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ दोस्तों, हर ऐप, चाहे वो होटल बुक करनी हो, चाहे हमें ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो, सब ने अपने अपने वॉलेट बना लिए हैं। अब उसमें क्या होता है कि अक्सर आप हो जाते हैं कंफ्यूज कि हम क्या करें क्या नहीं करें, तो उसके लिए भी मैं आपको आज सलूशन बताने वाला हूँ। इसके अलावा हम बात करते हैं कि इससे हमें और फायदे क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों, आपको फ्रिज लेना हो, एसी लेना हो, टीवी लेना हो, मोबाइल फोन लेना हो, इवन घर का डेली रूटीन का भी कोई सामान लेना हो, तो भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मोबाइल वॉलेट में जाइए, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट खुल जाती है वहीं से, और आपकी अच्छी खासी शॉपिंग हो जाती है और बड़े सस्ते में हो जाती है। और उसका एक बेनिफिट ये भी रहता है कि एक्सपायरी डेट की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है अगर खाने पीने की चीज ले रहे हैं, और ब्रांड्स भी सारे अवेलेबल होते हैं, वैरायटी भी ज्यादा होती है। तो क्यों जाएं भाई, हम क्यों जाएं बाहर? कहीं नहीं जाना है, घर बैठे बैठे ही अपना सारा काम करना है। अब दो चीजें और हैं मेरे पास आपको बताने के लिए, जो शायद आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। पहली चीज क्या है, जब भी आप, अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं, तो जब भी आप क्रेडिट कार्ड से कैश निकालते हैं, कैश जब भी आप पैसा निकालते हैं, तो आपको उसके लिए बहुत ही ज्यादा हैवी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ये जो मोबाइल वॉलेट होते हैं ना, मोबाइल वॉलेट, ये आपको इससे बचा सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि कैसे, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे। आपको करना सिर्फ इतना है कि अपना जो क्रेडिट कार्ड का कैश जो आप निकालना चाहते हैं वो आप अपने वॉलेट में लोड कर लीजिए। लोड करने के बाद आपको क्या करना है, उसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेना है। कुछ चार्जेस आपको इसके लगेंगे जरूर, लेकिन वो जो इंटरेस्ट आपको लगता है उसके सामने कुछ भी नहीं। तो आपका काम भी हो गया ना, मोबाइल वॉलेट आपके काम आ गया, आपको कैश भी मिल गया, और आपको क्रेडिट कार्ड का बहुत हैवी इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ा। क्यों, है ना कमाल का आइडिया? तो अब बात करते हैं इससे भी एक अच्छे फायदे की। अगर आप चलाते हैं कोई छोटा बिजनेस, चाहे हो वो कोई छोटी सी कपड़ों की दुकान, या हो कोई छोटा डिपार्टमेंटल स्टोर हो, कोई कंसेशनरी शॉप हो,
या कोई जनरल स्टोर हो, स्टेशनरी स्टोर हो, कुछ भी हो, आप इन वॉलेट्स के साथ में अपना QR कोड बना सकते हैं। QR कोड बनाने के लिए आपको इनके बिजनेस पेज पे जाना होगा, अपनी डिटेल्स डालनी होगी, अपनी अकाउंट की डिटेल डालनी होगी, अपने बिजनेस की डिटेल डालनी होगी। जब आप अपने बिजनेस की डिटेल इनके साथ शेयर करेंगे तो ये आपका QR कोड बना देंगे और आपको कुछ भी नहीं करना है, उसे प्रिंट करना है, प्रिंट करने के बाद अपनी शॉप पे लगा लेना है। अब जो कोई भी आएगा, कोई मान लीजिए बाहर से आता है, इसके पास कैश नहीं है और वो आपके यहाँ से शॉपिंग करना चाहता है, तो वो आपके QR, वो अपने वॉलेट से QR कोड को स्कैन करेगा और आपको पेमेंट कर देगा, पेमेंट सीधा आपके अकाउंट में चली जाएगी। अब इससे आपके दो फायदे होंगे, एक तो मनी मैनेजमेंट आपकी इजी हो जाती है, आपको पता रहेगा कि आपको जब भी दोबारा परचेजिंग करनी है शॉप के लिए तो एक पैसा जो है वो कम से कम एक जो अमाउंट है वो फिक्स कर चुके हैं आप, जो आपके वॉलेट में है, जिसे आप इधर उधर खर्चे के लिए नहीं यूज कर सकते। एक तो ये फायदा, दूसरा हर कस्टमर आपके यहां से बहुत अच्छे से सेटिस्फाई होकर के जाएगा, एक ये फायदा है। तो फायदे तो बहुत सारे हैं, अगर मैं यूं ही फायदों के बारे में आपको बताता रहा तो थोड़ी बोरियत हो जाएगी। तो अभी क्या करते हैं, एक छोटे से ब्रेक पे चलते हैं हम, और फिर आने के बाद आपको मैं बताऊंगा कुछ अच्छी ऐप बताऊंगा, और उसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि इसका नेक्स्ट लेवल क्या है। तो पहले मुझे आना है, ब्रेक के लिए जाना है, और फिर आएंगे वापस, फिर बताएंगे आपको और क्या क्या आप कर सकते हैं। दृष्टि दिव्यांग जन के सपनों को देता पंख, मजबूत होकर वो बढ़ें आगे, यही प्रयास करते हैं हम। शिक्षा और व्यवसायिक प्रशिक्षण से खोलते हैं रोजगार के नित नए द्वार। आत्मनिर्भर बने ये और गर्व करे देश, समाज और परिवार। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत दृष्टि दिव्यांग का संबल। राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, 116 राजपुर रोड, देहरादून। बिल्डिंग ट्रस्ट, कंस्ट्रक्टिंग ऑप्टिमिज्म सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज, 116 राजपुर रोड, देहरादून। NVDA स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर, जिसके जरिए दृष्टिबाधित व्यक्ति आसानी से कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अब NVDA कुछ नई आवाजों में भी उपलब्ध है। तो सुनिए इन आवाजों के ये नमूने। Hi, I am Eloquence, voice of British and American English. नमस्कार, मी अनन्या, मराठीचा आवाज मी। नमस्ते, नानु कन्नडद ध्वनि अल्पना। नमस्कार, मी बांग्ला आवाज पाया। नमस्कारम, नेनु तेलुगु स्वरं गीतनु। वणक्कम, नान तमिळिन कुरल वाणी। नमस्ते, मैं हिंदी की आवाज नील हूँ। हाय, आई एम ऋषि, वॉइस ऑफ इंडियन इंग्लिश। जब ये इंडियन वॉइसेस एक साथ स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर में जुड़ती हैं, तो बनता है इंडो NVDA। तो दोस्तों, अब आप खुद को इंडो NVDA के और करीब पाएंगे, जब आप भारत की इन भाषाओं में NVDA की आवाज सुन पाएंगे। दुनिया की अनलिमिटेड वॉइसेस को एक्सेस करने का इंडो NVDA खजाना है। तो फिर देर किस बात की, सक्षम को फोन मिलाना है। नोट करें सक्षम का हेल्पलाइन नंबर, 01164650655। सक्षम का पता है, 486 डबल स्टोरी न्यू राजेंद्र नगर, न्यू दिल्ली 110060। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ
आएगा। थी लड़की दीवानी तरसाना था, कोई तड़पाना था, वो मिले इस तरह
हंसने लगी थी, भी हंसने लगा था, दोनों समझे नहीं थे वो जो होने लगा था। आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी, एक था लड़का एक थी लड़की दीवानी। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने शो जस्ट फॉर यू में। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान ऑफ फ्लाइट ऑफ लाइफ और मैं हूं आपका दोस्त जिमी। बात कर रहे हैं हम मोबाइल वॉलेट्स के बारे में। हमने इसके फायदों की बात कर ली है, अब थोड़े से वैसे तो फायदे और भी बहुत हैं इनके, लेकिन मैंने कुछ आपको मेन मेन ही बताए हैं, क्योंकि अगर पूरे फायदे बताने बैठता तो शायद आप थोड़े बोर हो जाते। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि बता ही दूं आपको पूरे फायदे। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ नुकसान की। अपने फोन के ऐप स्टोर पे जाते ही आपको 10 नहीं 20 नहीं 50 एप्लीकेशंस, या कहूं कि सैकड़ों एप्लीकेशंस ऐसी मिल जाएंगी जो कहेंगी रिचार्ज करें, बिल भरें और पता नहीं क्या क्या बहुत कुछ बोलते हैं वो, और गेट एक्साइटिंग कैशबैक्स एंड बहुत सारी चीजें और भी वो आपको बोलते हैं। लेकिन मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि हर किसी वॉलेट को इस्तेमाल आप ना करें, क्योंकि जो जरूरी है किसी भी कैशबैक से ज्यादा जरूरी है आपकी सिक्योरिटी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपनी सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और इसके अलावा जो टेढ़े मेढ़े बहुत सारे वॉलेट्स दिखते हैं आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे, उनसे बच के जरूर से रहना है। जो एक इसका नुकसान है वो मेन नुकसान तो यही है कि बहुत सारे वॉलेट्स हैं जो सिक्योर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग यूज कर रहे हैं, तो वो जो है काफी खतरनाक हो सकता है। और इसके अलावा उसमें एक ऑप्शन रहता है वॉलेट्स में कि अपनी कार्ड डिटेल्स को सेव करने का, तो अगर पॉसिबल हो तो आप अपनी कार्ड डिटेल्स भी शेयर ना करें। और जब भी वॉलेट्स आप यूज करें तो टू स्टेप वेरिफिकेशन के साथ ही यूज करें, कोई OTP या कुछ भी आपको आए अगर पॉसिबल हो, कोई पासवर्ड हो कोई पिन हो तो ज्यादा अच्छा है। वैसे आजकल बहुत सारे नहीं मतलब लगभग हर वॉलेट आपको यही कहता है कि फास्टेस्ट ट्रांजैक्शन है और जल्दी से जल्दी आप अपनी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, लेकिन अगर वो आप टू वे कम्युनिकेशन के थ्रू करोगे यानी किसी पासवर्ड या किसी OTP के थ्रू करोगे तो काफी बेनिफिट होगा आपको, क्योंकि जो आपकी डिटेल्स हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं और हर कोई उसे एक्सेस ना कर पाए ये देखना भी बहुत ही जरूरी है। तो अब बात करते हैं इसका जो एक नुकसान है वो तो मैंने आपको बता दिया कि सिक्योरिटी है। इसका जो दूसरा नुकसान है वो ये है, बड़ा ही छोटा सा नुकसान है वैसे तो, कि जो ये कैशबैक्स आते हैं वॉलेट के उनकी काफी सारी कंडीशंस होती हैं कि एक बार में इतना यूज कर सकते हो, सबकी नहीं होती, काफी सारी जगह पे आपको लेकिन मिलती हैं जहां पे कैशबैक बहुत ज्यादा मिलता है। तो 10% यूज होगा पहली बार में, 20% यूज होगा, चाहे वो कोई होटल की ऐप हो या कोई सी भी ऐप हो। तो ये एक मुझे जो है थोड़ा सा नुकसान लगता है, क्योंकि मैं ये सोचता हूं कि अगर आप कैशबैक कम भी देते हो लेकिन जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उन्हें आप थोड़ा इजी बनाते हो तो शायद ज्यादा जो यूजर्स हैं वो यूज करेंगे वॉलेट्स को। ठीक है जी, तो
तो लेकिन फिर भी ठीक है, उनका अपना बिजनेस है तो उनको भी पैसा कमाना ही है, तो मैं ऐसे फिर भी पूरी तरह से गलत नहीं मानता हूँ। लेकिन बात कुछ ऐसी है कि कस्टमर का तो एक हिसाब से वो नुकसान ही होता है, क्योंकि कस्टमर जो है मेनली उसी चक्कर में फिर उसी वॉलेट को टॉपअप करता रहता है, और जब तक वो सारे कैश को यूज नहीं करता तब तक लगा रहता है, भाई साहब लगे रहो यही करते रहो। तो ऐसी ऐसी कुछ चीजें हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे चार वॉलेट्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो आपके काम को बहुत ही ज्यादा आसान बना देने वाले हैं। तो सबसे पहला है मोबीक्विक। मोबीक्विक सर्च करेंगे आप गूगल पे, प्ले स्टोर पे, आपको आसानी से मिल जाएगा। और दूसरा जो है फ्रीचार्ज, फ्रीचार्ज भी आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तीसरा है टैप्सो, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। मैं सबसे ज़्यादा इसी को यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसमें आपको कैशबैक किस तरह का चाहिए वो भी आप डिसाइड कर सकते हो, ऑप्शनल चाहिए या कन्फर्म आपको चाहिए ही चाहिए हर ट्रांजेक्शन पे, वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद मोस्ट पॉपुलर पेटीएम। ये सारे जो वॉलेट्स हैं ये बड़े ही ज़बरदस्त वॉलेट्स हैं, और इससे जो आपका काम है वो इस तरह से कुछ चलेगा कि चाहे वो आपको ग्रोसरी परचेज करनी हो, फूड मंगवाना हो घर पे, होटल में पेमेंट करनी हो, या होटल बुक करना हो रहने के लिए रेस्टोरेंट्स को यूज़ करना हो, या सैलून और बार्स और जो भी कुछ आपको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, इंश्योरेंस हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, कोई और दूसरा डेटा कार्ड हो, ब्रॉडबैंड हो, हर तरह का बिल आप इससे पे कर सकते हैं, हर तरह की पेमेंट्स आप इन चारों वॉलेट से कर सकते हैं। शायद ही कोई चीज़ होगी जो इन चारों से नहीं होगी और किसी पर्टिकुलर वॉलेट से होगी। तो आप जो है अपने सारे काम इन चारों वॉलेट से निकाल सकते हैं अगर आप इनको प्रेफर करेंगे। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप इनको प्रेफर करें या ना करें, लेकिन अगर आप इनको प्रेफर करेंगे तो आपको बहुत आसानी होने वाली है। जहाँ पे आपको अच्छा कैशबैक मिलता है वहाँ पे आप उसे यूज़ करें और बढ़िया कैशबैक ले लीजिए। और इसके अलावा जो मुझे आपसे कहना है वो बस इतना ही है कि अभी मुझे एक ब्रेक पे जाना है, तो ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आता हूँ। और फिर कुछ और चीज़ें हैं जो मुझे आपको जाने से पहले कहनी है, इसके बारे में बताना है इसका आगे का फ्यूचर क्या है। तो फिलहाल के लिए चलते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, छोटा सा ब्रेक ही होगा क्योंकि वो जो चीज़ है वो भी हम आपको बताएंगे, तो बहुत ज़रूरी है बताना। तो सुनते रहिए आप रेडियो उड़ान अफ्लाइट अफ्लाइट। आजकल हर कोई ढूंढता है शॉर्टकट, फिर चाहे हो बात स्टडी की या हो एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए आपको क्रैक करने होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और एग्जाम क्रैक करने के लिए खेलना होगा आपको और सुनना होगा लेट्स प्ले 2020। जी हाँ, मैं आरजे गितेश और मैं आरजे नरेश लेकर आ रहे हैं शो लेट्स प्ले 2020, जिसमें हम पूछेंगे आपसे 20 नए सवाल जिससे मिलेंगी आपको 20 नई जानकारियाँ, एक मंजिल रोजगार की ओर। इस शो को सुनने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए लॉग इन कीजिए रेडियो उड़ान हर सोमवार रात 10 बजे से 11 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग इन टू www.radioudaan.com। हैप्पी लिसनिंग। एक्सेसिबल इंडियन करेंसी कैंपेन, पैसे का आकार एक सा हो चला है, छूने से उलझन ना मिट पाएगी, अब पैसा कैसे जोड़ोगे जब खुद ही ना जुड़ोगे। मैं रोहित त्रिवेदी राष्ट्रीय नागरिक भोपाल से, पैसा पूछे पहचान कौन। आई रजनी गोपाल ब्लाइंड सिटीजन फ्रॉम बेंगलोर, पैसा पूछे पहचान कौन। इस्तेमाल के लायक ना सही, पैसा ताकत देता है, यदि छूने से अंतर ना पहचानोगे तो इस पैसे की ताकत को कैसे अपनाओगे। हम दृष्टिहीन नागरिकों द्वारा हमारे हित में कॉइन्स नोट्स एवं डिजिटल करेंसी के बदलाव को समर्थन दीजिए। लॉगिन कीजिए tinyurl.com/AIC petition यानी के tinyurl.com/AICPETITION। अधिक जानकारी और अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक कीजिए tinyurl.com/facebook-AIC। एक्सेसिबल इंडियन करेंसी कैंपेन, लोगों को जोड़ने की जिम्मेदारी अब आपकी। आपकी जिंदगी में नए दरवाजे खोलती हैं किताबें।
और बना दिए आपकी जिंदगी को और भी खूबसूरत और हसीन। इन्हीं किताबों को आपकी जिंदगी का अटूट हिस्सा बनाने के लिए मैं आरजे निशा लेकर आ रही हूँ शो बुक वर्ल्ड, जिसमें होंगी वो किताबें जिन्हें आप खुद पसंद करेंगे। इस शो को सुनना न भूलिए हर बुधवार रात 8 से 9 बजे और हर गुरुवार दोपहर 3 से 4 बजे तक। ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.radiouran.com। हैप्पी लिसनिंग। वेलकम बैक, मैं आ चुका हूँ वापस एक बार फिर आपका अपना शो लेकर के, जो है जस्ट फॉर यू। तो आज हम बात कर रहे हैं मोबाइल वॉलेट्स की। तो अब जो टाइम है वो पूरी तरह से कस्टमर के लिए आ चुका है, कस्टमर के फेवर में आ चुका है। तो गेंद अब आपके पाले में है, तो आप देखिए आपको क्या करनी है। लेकिन मैं जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि अभी जो आप मोबाइल वॉलेट्स यूज करते हैं, पहले तो सभी वॉलेट्स की कोई ना कोई लिमिट है, चाहे वो फिर 20,000 हो, चाहे 25,000 हो, चाहे 30,000 हो। वैसे ज्यादातर की 20,000 है, लेकिन फिर भी अभी क्या है कि अगर आप अपनी KYC डिटेल्स उनके साथ शेयर करते हैं तो आप इसे 1,00,000 तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन क्या है कि अब जो ये वॉलेट्स हैं ये धीरे धीरे RBI के साथ टाइप करने के बाद पेमेंट बैंक्स में कन्वर्ट हो रही हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बड़ा ही सिंपल हुआ कि जब भी आप रिचार्ज करें, आप बिल पे करें, आप इंश्योरेंस का प्रीमियम भरें, या किसी स्कूल की फीस भरें, या अपना कोई लीगल चलान आप पे करें, लेकिन अब वो जो पैसा आप वॉलेट्स में रखते थे उसमें क्या होता था कि आपका पैसा एक तरह से जब तक यूज में नहीं है तब तक वो ब्लॉक है। लेकिन अभी ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सभी जो वॉलेट्स हैं वो पेमेंट बैंक की तरफ बढ़ गए हैं। और पेमेंट बैंक की तरफ बढ़ने का बड़ा ही एक सीधा सा मतलब है कि जब आप पेमेंट बैंक की तरफ बढ़े हैं तो बैंक का मतलब तो बैंक होता है ना भाई साहब, उसे हम मिनी बैंक कह सकते हैं। तो जब भी आप उसमें पैसा रखेंगे तो आपको उसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट जरूर मिलेगा। तो जो इंटरेस्ट होगा उसके लिए आपको अपना जो वॉलेट है उसमें पेमेंट बैंक्स के लिए रजिस्टर करना होगा, अपनी सारी KYC डिटेल्स उनको देनी होंगी। जब आप उनको दे देंगे तो आप सिर्फ पैसा रखेंगे ही नहीं, वहां पे पैसे का इंटरेस्ट भी आप उनसे ले सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले कंपनी आई थी पेमेंट बैंक लेकर के वो तो थी एयरटेल। तो उसके बाद जो आई है वो थी आपकी ATM। और अभी जिसके चांसेस लग रहे हैं, जो वैसे भी लगभग हर फील्ड में कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, तो वो भी शायद अब इसमें आने वाले हैं। यानी मैं बात कर रहा हूँ आप सबके चहेते जियो की। तो जियो भी अपना पेमेंट बैंक्स लेकर के आ सकता है, तो ये भी शायद डेढ़ चाल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जितनी भी आपकी पेमेंट्स हैं आप पेमेंट वॉलेट से करिए, कैशबैक लीजिए, कैशबैक लीजिए, फिर जो पेमेंट उसमें पड़ी है, जो पैसा उसमें पड़ा है उस पर इंटरेस्ट भी लीजिए। यानी आपकी तो पांचों उंगलियां घी में हैं भाई साहब, जबरदस्त। तो मजे हैं आपके, वॉलेट्स यूज कीजिए, कैश का यूज थोड़ा कम कीजिए, हो सके तो बहुत ही कम कर दीजिए, क्योंकि जो फ्यूचर है वैसे भी यही होने वाला है हमारा। जितने हमारे कार्ड्स हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, वो सब हमारे हाथ से बहुत ही जल्दी जाने वाले हैं, और ये सब ही हमारे हाथ में बाकी रह जाएगा। तो इसमें क्या है कि अब आज का जो समय है वो डिजिटल इंडिया का है, और आगे जाके सारे काम भी आप डिजिटल इंडिया के थ्रू करने वाले हैं। तो अब जो समय हो गया है वो हो गया है मेरे जाने का। तो मैं अब जाऊंगा, तभी तो अगले आरजे आपके लिए अपना शो लेकर के आएंगे।
तो फिलहाल मुझे जाना होगा, तो फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत इजाजत, और मैं अगली बार फिर से आऊंगा, एक टॉपिक लेकर के आऊंगा। तो आप अगर इस शो को मिस कर चुके हैं या थोड़ी देर से सुनना शुरू किया है तो आप हमें YouTube पर भी सुन सकते हैं, जाइए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा अगर आप वहाँ पे भी नहीं सुन सकते हैं, अगर यहीं सुनना चाहते हैं तो मैं कल दोपहर में भी आऊँगा, ठीक है जी, तो कल दोपहर में भी आप मुझे सुन सकते हैं। जस्ट फॉर यू है शो का नाम। और एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपके फीडबैक्स हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। शो को आप काफ़ी पसंद कर रहे हैं, अच्छा होगा कि आप अपने फीडबैक्स हमें देते रहें, क्योंकि आपके फीडबैक से ही हमें पता चलता है कि हमारा जो शो है वो अच्छा जा रहा है या अच्छा नहीं जा रहा है। जैसा भी जा रहा है वो आपके फीडबैक से ही पता चलता है। आप ये भी बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक पे मुझे सुनना चाहते हैं, यानी कि आप मुझे टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। टॉपिक बताने का और फीडबैक देने का तरीका बड़ा ही आसान है। हमारी स्काइप आईडी है RADIO UDAAN और हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज है RADIO UDAAN, यूट्यूब चैनल है रेडियो उड़ान, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं रेडियो उड़ान और उड़ान लाइव शोज के नाम से। तो इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी है यार, कहीं तो फीडबैक दे ही सकते हैं आप। तो अब वक्त हो गया है मेरे जाने का। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, सुनते रहें सुनाते रहें रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। गुड बाय, बी सेफ, बी हैप्पी, कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Yeah.
की ये तो